छोड़ो तो मैं 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। Hello everyone, I'm Saurya Agarwal from Commerce World and this video is basically about the 5 mistakes that we do and we should avoid or never ever do in our board exams. So, इस वीडियो में हम basically वो सब mistakes discuss करेंगे जो हम अपनी 12th में कर चुके हैं और आप अभी probably कर रहे होंगे, तो हम इन mistakes को कैसे avoid कर सकते हैं, overcome कर सकते हैं और अपने grades को improve कर सकते हैं। तो after watching this video, सिर्फ for like 5-10 minutes, and think कि आपका target क्या है, आप कितने marks score करना चाहते हैं, या probably 95 above, and it is pretty easy, you know. आप अचीव कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग, जस्ट बाय अवॉइडिंग एक्चुअली दीज मिस्टेक्स। सो द फर्स्ट मिस्टेक जो हम सभी करते हैं वो है क्रैमिंग वर्सेस कॉन्सेप्ट। मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि हमने क्रैम करना है चीज़ों को या कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज़ देयर आर टू पर्संस, एक स्टूडेंट जो है वो 100% क्रैम करता है चीज़ों को और एक स्टूडेंट जो है वो 100% कॉन्सेप्ट को समझता है। तो जब क्रैमिंग वाला बच्चा पेपर देने गया तो डेफिनेटली फॉर श्योर वो कुछ ना कुछ पेपर में भूल जाएगा, क्योंकि 100% इन्फॉर्मेशन हम नहीं रिटेन कर सकते हैं अपने ब्रेन में। तो वो तो पेपर में भूल गया, मार्क्स वहीं से गए। और जो 100% कंसेप्ट वाला बच्चा है वो पेपर देने गया, अब उसको कंसेप्ट तो सारा पता है लेकिन जब लिखने की बारी आई वो अपनी लैंग्वेज में लिखेगा। इन दैट केस मिस्टर राजू रस्तोगी, यस सर, कैन यू टेल अस हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट। टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज कर पाएगा, प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं लिख पाएगा, देन हेडिंग्स नहीं प्रॉपर दे पाएगा, तो उसके भी कहीं ना कहीं मार्क्स कटेंगे। तो माय पॉइंट इज कि आपने क्रैमिंग और कॉन्सेप्ट के बीच में एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन करनी है। वो रेशियो होनी चाहिए 70-30, दैट इज कि कंसेप्ट को, अंडरस्टैंडिंग पोर्शन को आप 70% देंगे और जो रट्टा लगाने वाली चीज़ है उसको आप 30% देंगे। तो रट्टा आपने लगाना किसको है? रट्टा आप लगाएंगे डेफिनेशंस को, अपने पॉइंट्स की हेडिंग्स को और टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है। और जो कंसेप्ट वाली बात है, जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है जिसको हमने 70% देना है, दैट इज़ जो उन पॉइंट्स के नीचे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो आपका समझने वाला पोर्शन आएगा। तो हम बेसिकली बात क्या करें कि हमने क्रैमिंग और कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, डिलेमा में नहीं रहना है कि हमने किसको ज़्यादा वेटेज देनी है। हमने ज़्यादा वेटेज देनी है कंसेप्ट को समझने की, दैट इज़ 70% हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए उस कंसेप्ट को समझने की, और 30% हमारी इस पर भी होना चाहिए कि उस चीज़ को मैंने याद रखना है अपने ब्रेन में। तो हमें थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ कंसिडरिंग बुक्स ऑफ मोर देन वन ऑथर। मतलब कि आप बुक्स को पढ़ते हैं एक से ज़्यादा ऑथर की, मतलब कि आप पढ़ेंगे भी नहीं, आपको सिर्फ शौक है कि एक से ज़्यादा ऑथर की, हमारे पास कम से कम एक सब्जेक्ट की ना 4-5 बुक्स होनी चाहिए और हम उस 4-5 बुक्स में से ना थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सो दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। हमें एक से ज़्यादा बुक तो रखनी नहीं है। सबसे पहली बात जो हमने कंसिडर करनी है, दैट इज़ NCERT। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि बच्चे NCERT को पढ़ते क्यों नहीं है। तो NCERT इज़ योर मेन थिंग, पेपर उधर से ही सेट होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने कंसिडर करनी है, दैट इज़ NCERT। सब पूरी NCERT को, सारे सब्जेक्ट्स की NCERT को ना पढ़ लो अच्छे से, एंड देन मूव ऑन टू अनदर बुक। तो पहले जब अपनी NCERT सारी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप डिफरेंट बुक ले सकते हैं, कोई रिफ्रेशर ले सकते हैं। तो अब जो वो रिफ्रेशर होगी, 4-5 रिफ्रेशर्स नहीं लेके आनी है, कोई भी एक अच्छी रिफ्रेशर, एक रेनाउंड ऑथर की आप लेके आइए
और उसको फिर अच्छे से कंप्लीट कीजिए. तो रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम 4-5 बुक्स, अगर आप एक ही बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और डेफिनेटली वो हेल्प करेगा आपको अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए. नेक्स्ट जो मिस्टेक आप लोग करते हैं वो है इग्नोरिंग अंडरडॉग सब्जेक्ट्स. तो हम इन सब्जेक्ट्स को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे सर्दियों में हम नाना इग्नोर करते हैं, मटर पनीर में हम मटर को इग्नोर करते हैं, अकाउंट्स में हम थ्योरी को इग्नोर करते हैं और मैथ्स में हम प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करते हैं. तो अपने लाइफ में हम इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं. तो आप तो समझ ही गए होंगे मैं किन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ. पीएचई, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, इन तीन सब्जेक्ट्स को तो ना हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कुछ है ही नहीं. Nice to meet you. Jerome Smith. Come on, brother. What's up, fam? You know this. Keith Williamson. Nice to meet you. Mary right. Woodbury. Nice to meet you. Jay Martell. Nice to meet you, sir. Tasha Robinson. Come on, come on, come on. Feel that? Emily George. All right. Nice to meet you. Daryl Stone. तो हमारे दिमाग में एक हवा बैठी हुई है, एक कंसेप्ट बैठा हुआ है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश और हमारा पीएचई, इनको अगर हम एंडिंग के 7-8 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन भी लगा के हम पढ़ लें तो हमारे अच्छे ग्रेड आ सकते हैं. सो आई थिंक इट इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ईजी हैं, नो डाउट ईजी हैं, स्कोरिंग भी हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा मार्क्स, मतलब कि सबसे कम मार्क्स आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स में आएंगे अगर आप इनको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सब्जेक्ट्स को भी टाइम दो. अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपने दिन का 1-1 घंटा इन सब्जेक्ट्स को दे दीजिए, नहीं, हफ्ते में 1 घंटा, 2 घंटा, 1-2 दिन अगर आप इन सब्जेक्ट्स को दे भी देते हैं ना, तो इट इज़ मोर देन अनफ. तो ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम, कुछ अटेंशन आपने इन सब्जेक्ट्स को भी देनी है. तो मैं जिन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ वो है इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज एंड पीएचई. तो इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देना इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट मिस्टेक इज आवर फेवरेट मिस्टेक, हम ये करते ही करते हैं, और ये मिस्टेक है वेस्टिंग आवर टाइम. इट इज़ ट्रू, हम अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं. सो टाइम इज इक्वल्स टू मनी, राइट? लेकिन हमारे लिए टाइम इज इक्वल्स टू गुड ग्रेड्स. अगर हम हर सब्जेक्ट को प्रॉपरली टाइम देंगे, हम अपने सब्जेक्ट्स की टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे, तो यस, हमारे ग्रेड्स इम्प्रूव होंगे. तो इसके लिए आपने करना क्या है, स्टडी रेगुलरली, हमने रोज़ पढ़ना है. ये तो मेन है ना, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे ग्रेड्स आएँ, तो जब डेट शीट निकलेगी ना उस टाइम पे जाके नहीं पढ़ना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. ये नहीं कहूँगी कि 5-5, 6-6 घंटा पढ़ना स्टार्ट करो, हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें 12th और 10th के बोर्ड्स देने हैं, जो हम अगर दिन के 2-3 घंटे भी पढ़ेंगे तो हमारे लिए सफिशेंट है, लेकिन रोज़ पढ़ने हैं. और हमने टाइम ऐसे मैनेज करना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे एज़ कम्पेयर टू हमारे अंडरडॉग सब्जेक्ट्स, जो हमारे पीएचई, इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज़ आ गया. उन सब्जेक्ट्स को अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी पढ़ते हैं, 2-3 दिन भी पढ़ते हैं, तो काफ़ी है. लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना है. तो इनके बीच में, इन सभी सब्जेक्ट्स के बीच में एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए. आई थिंक मैंने अपनी 12th में जो सबसे बड़ी मिस्टेक की थी वो थी ये टाइम मैनेजमेंट, और मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था, और ऑब्वियसली उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे. वो ग्रेड्स नहीं आए जो मैं चाहती थी आए, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था आए, उससे तो कम ही आए. लेकिन इट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच वी ऑल डू एंड वी शुड अवॉइड इट. और अगर हमने ये मिस्टेक अपनी अवॉइड कर ली ना, अगर हमने अपना टाइम मैनेज कर लिया प्रॉपरली इन सभी सब्जेक्ट्स के बीच में, तो 95% मार्क्स लाना ना बहुत बहुत सीरियसली बहुत ईजी है. तो हमने करना क्या है, हमने रोज़ पढ़ना है 2-3 घंटे, सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है. मस्त प्लान है. सो जो लास्ट मिस्टेक है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा हाथ है और कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी है. सोसाइटी की प्रेशर है जिसकी वजह से हम ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन बाकी चारों मिस्टेक्स की तरह हम इस मिस्टेक को भी ओवरकम कर सकते हैं. तो ये मिस्टेक बेसिकली है क्या, डीमोटिवेटिंग योरसेल्फ, ओवर स्ट्रेस एंड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स.
तो ये चीज़ हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है. हमने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है. हमने बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मुझसे हो ही नहीं सकता. 95% मार्क्स. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज. सॉरी ओवर एक्साइटमेंट. 95% मार्क्स ये तो मैं नहीं अचीव कर सकता, कर सकती. आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट. नहीं, आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना. आपने बल्कि अपने आप को मोटिवेट करना है. आपको सॉरी आई कांट डू दिस, आई विल डू दिस, एंड ओ माई गॉड आई डिड दिस. आपने ओ माई गॉड आई डिड दिस तक लाना है अपने आप को. तो अगर आप भी आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो अभी आप सोचिए कि यस मैं कर सकता हूँ, एंड देन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इट. आप प्रिपेयर कीजिए, आप पढ़िए, और आप एक दिन बोलेंगे कि येस आई डिड इट. सेकेंड इज स्ट्रेस लेना. अब स्ट्रेस हम कैसे लेते हैं, जैसे इमेजिन कीजिए कल आपका क्लास टेस्ट है. सर इमेजिन कीजिए कुछ हो रहा है, आपका रिएक्शन होगा तो क्या हो गया, क्लास टेस्ट है तो क्या हो गया. लेकिन आप सोचिए हमारे कल बोर्ड्स हैं, सोचिए कि कल बोर्ड का पेपर है, मैथ का पेपर है, और क्या होगा, पेट में एकदम से दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, इसे अजीब सी फीलिंग होगी, इसलिए डर लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. और The exam starts now. मतलब कि ये क्या है, ये सिर्फ स्ट्रेस है. हम स्ट्रेस लेते हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम के नाम से, सुना हम डरने लग जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं. तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है. बहुत काम रहना है. जब आप अपना पेपर देने भी जाएंगे ना, आपने बहुत काम लिया अपना पेपर देना है, तो अगर आप जितने काम होंगे ना आपके लिए उतना ही बेटर है. तो जब पेपर देना है और पेपर के लिए प्रिपेयर भी करना है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है और कामली आप प्रिपेयर करेंगे. लास्ट जो था, दैट इज़ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ. अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन आप खुद हैं. अगर आपको कंपेयर करना है तो आप अपने कल के साथ कंपेयर कीजिए. जो आप कल थे उसको आप कंपेयर कीजिए जो आज, जो आप आज हैं. तो इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि कल अगर मैंने एक चैप्टर का एक टॉपिक अचीव किया है, कंप्लीट किया है, तो आज मैं ट्राई करूँगा दो टॉपिक्स को कंप्लीट करने के. तो ये आपका कंपटीशन जो होना चाहिए वो आपका खुद से होना चाहिए. सो आई थिंक दैट्स इट. आई होप आपको ये 5 mistakes आप अवॉइड कर सकते हैं. इनको आप जितनी जल्दी अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और उतने ही अच्छे आप ग्रेड्स आप 12th में ला सकते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप. तो बोनस टिप इज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, ताकि आपको और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे. हमने टाइमली सिलेबस भी हम कंप्लीट करते हैं, प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं. सो इट विल ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू अस. अगर आपका हमें सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा, कमेंट्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे, तो ये हमें भी बहुत मोटिवेट करेगा. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. म्यूजिक